दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोशल मीडिया से मशहूर हुई रानू मंडल के बारे में, पीएम मोदी ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन आएगा उसे भी जरूर दबाइए ताकि आपको दिन भर की लगातार बड़ी खबरों के अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, रानू मंडल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। रानू मंडल पश्चिम बंगाल के रानाघाट की रहने वाली है और यह अपना पेट पालने के लिए रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी तथा रानू के पति का देहांत होने के बाद वो काफी ज्यादा अकेली हो गई थी और वे अपने घर को छोड़कर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगी थी। हाल ही में उनका एक गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि एक ही दिन में 50 लाख लोगों ने इस गाने को देखा और जमकर शेयर भी कर दिया। इसके बाद काफी ज्यादा सेलिब्रिटी उनकी मदद के लिए आगे आई और अब रानू मंडल ने बॉलीवुड में एंट्री भी कर ली। रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने अपनी मूवी में एक गाना गाने का मौका दिया। रानू मंडल का गाना सुन पीएम मोदी भी बहुत खुश हुए और रानू मंडल की जमकर तारीफ भी कर दी। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं मिल पाता। अपनी गरीबी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। साथ ही मोदी जी ने कहा कि अगर आपको भी कहीं पर भी ऐसे लोग मिले जिनमें काफ़ी प्रतिभा हो, काफ़ी टैलेंट हो, तो आप लोग भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए हो सके उतनी मदद जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि रानू मंडल की कई बॉलीवुड स्टार ने भी मदद की है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने भी रानू मंडल को एक घर दिया, साथ ही अपनी आने वाली मूवी दबंग 3 में गाने का मौका दिया है और दोस्तों हिमेश रेशमिया ने भी उन्हें अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दिया है। दोस्तों, रानू मंडल के अभी तक आप फैन हुए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको ऐसी और खबरें देखने को मिलती रहे। जय हिंद।